आपका नए वीडियो में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम करने वाले एमरेंट फ्यूचर्स पेयर की अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू। और गाइस मैं आपको बताने वाला हूं 2999 में आपको इसे परचेस करना चाहिए या फिर नहीं। सो गाइस ये वैल्यू फॉर मनी है 2999। सो गाइस यही जानने वाले बिना टाइम वेस्ट किए चलो गाइस वीडियो को शुरू करते हैं। बात करो तो यहां पे मैं एमरेंट की ब्रांडिंग दी गई है, यहां पे मैं फ्यूचर्स पेयर फ्लेक्स मॉटली यहां पे लिखा हुआ दिया गया है। यहाँ चेयर्स की बात करें तो 45 प्लस वॉच फेसेस मिल जाते हैं, 17 स्पोर्ट मोड्स, IP68 वाटर प्रूफ, अप टू 7 डेज की बैटरी लाइफ, 1.28 इंच का स्क्रीन मिल जाता है, टच स्क्रीन मिल जाता है, स्ट्रैप मिल जाता है, साइड बटन देखने को मिलता है। यहाँ पे बात करें वारंटी की तो 1 ईयर की वारंटी देखने को मिल जाती है। बैटरी कैपेसिटी की बात करें तो 270 mAh की बैटरी कैपेसिटी मिल जाती है। चार्जिंग टाइम 2 आवर्स के लिए यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है। ये ब्लूटूथ भी 5.2 की कनेक्टिविटी देखने को मिल जाता है। यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे हमें 24x7 हार्ट रेट सेंसर मिल जाता है, ऑक्सीजन सेचुरेशन, कैलोरीज मोड, स्टेप ट्रैकर, नोटिफिकेशन अलर्ट, 3D कर्व डिस्प्ले, 450 निट्स की ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है। ये एमरन की थोड़ी खासियत है कि हमें ऐसा मतलब देखने को मिल जाता है। ये रही हमारी स्मार्ट वॉच, आप यहाँ पे देख सकते हो, निकाल देता हूँ इसे बाहर। यहाँ पे थोड़े एसेसरीज देखने को मिल जाते हैं। तो गाइस पहले मैं यहाँ पे बॉक्स को रख देता हूँ साइड में। पे हमें एनवेलप देखने को मिल जाता है। यहाँ पे इसके अंदर की बात करें तो यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है कस्टमर सपोर्ट। यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे हमें मिल जाती है। तो गाइस अगर आपको यूज़र मैनुअल चाहिए तो आपको इसको QR कोड को स्कैन करना है तो आपको इसकी यूज़र मैनुअल मिल जाएगी। तो बात करें तो यहाँ पे हमें चार्जिंग केबल देखने को मिल जाता है। तो गाइस यहाँ पे हमें डॉक टाइप चार्जिंग केबल देखने को मिल जाता है। आप यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे हमें स्मार्ट वॉच मिल जाती है। ये रही हमारी स्मार्ट वॉच, आप यहाँ पे देख सकते हो हमारी स्मार्ट वॉच। एंड यहाँ पे हमें प्लास्टिक रैपर दिया है तो मैं इसे निकाल देता हूँ। एंड गाइस आप यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी अच्छी लुक दे रही है। यहाँ पे बात करें बिल्ड क्वालिटी की तो यहाँ पे हमें सर्कुलर स्पेयर शेप में देखने को मिल जाता है, नाम से यहाँ पे हमें पता चल जाता है। यहाँ पे बात करें स्ट्रैप्स की बिल्ड क्वालिटी की तो यहाँ पे हमें सिलिकॉन स्ट्रैप्स देखने को मिल जाता है एंड काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। यहाँ पे हमें इस तरीके से कुछ स्ट्रैप देखने को मिल जाता है। यहाँ पे हमें एमरेन की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। यहाँ पे पीछे बात करें तो यहाँ पे हमें हार्ट रेट सेंसर, SPO2 सेंसर मिल जाते हैं। यहाँ पे हमें चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है। सो गाइस अब बारी आ चुकी है इसे ऑन करने की। सो गाइस मैं इसे कर देता हूँ ऑन, चूँकि ऑन यहाँ पे हम इंग्लिश पे क्लिक कर देंगे, यस पे क्लिक कर देंगे। सो गाइस ये आ चुके हैं यहाँ पे एमरेन। सो गाइस ये रही हमारी एमरेन शॉर्ट स्पेयर, मिल जाता है, टाइम मिल जाता है, डे डेट एंड यहाँ पे हमें स्टेप्स मिल जाते हैं, आंसर भी मिल जाता है। जैसे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे हमें कैलोरीज का डेटा देखने को मिल जाता है। वापस स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे हमें स्टैंड टाइम मिल जाता है, स्टेप्स मिल जाते हैं, हार्ट रेट रीडिंग मिल जाता है। सो गाइस यहाँ पे हम लेफ्ट साइड स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे हमें रनिंग, फास्ट वॉक, वाटर क्लाइंबिंग, ओपन वाटर क्लाइंबिंग, साइकिलिंग, एरोबिक्स, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, सॉसर, डांस, योगा, रोप जंपिंग, सेटअप्स, वॉलीबॉल, टेनिस, टेबल टेनिस, आइस स्केटिंग मिल जाता है। यहाँ पे हार्ट रेट सेंसर मिल जाता है, SPO2 सेंसर मिल जाता है, फाइल मैनेज, हार्ट रेट मिल जाता है, स्ट्रेस मिल जाता है, अलार्म, मैसेजेस, टाइमर, स्टॉपवॉच एंड सेटिंग्स की बात करें तो वॉच फेसेस यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं, करें तो ब्राइटनेस भी यहाँ से हम सेट कर सकते हैं, इसमें यहाँ से डिक्रीज भी कर सकते हो और यहाँ से इंक्रीज भी कर सकता हो। तो गाइस यहाँ पे अबाउट में यहाँ चले जाएंगे तो यहाँ पे हमें वर्जन एंड सारी चीज़ें दिखाए जाएंगे। अबाउट की बात करें तो भी वही है। तो गाइस यहाँ से हम रिसेट कर सकते हैं सारे स्पेसिफिकेशंस एंड फ्यूचर्स शॉर्ट स्पेयर के। सो गाइस अभी यहाँ पे हम कर लेंगे इसकी हार्ट रेट सेंसर टेस्टिंग एंड ऑक्सीजन सेचुरेशन की टेस्टिंग। सो गाइस हम HR टेस्ट कर रहे हैं अभी, आप ये देख सकते हो 73 BPM यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है। SPO2 को ओपन कर लिया एंड यहाँ पे हम करने वाले इसकी SPO2 टेस्टिंग। मेरे ख्याल से SPO2 भी काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है, 96% यहाँ पे हमें SPO2 मिल जाता है। सो गाइस दोनों सेंसर्स यहाँ पे हमें काफ़ी अच्छे देखने को मिलते हैं। बात करो वाटर रेसिस्टेंट की, यहाँ पे हमें IP68 वाटर रेसिस्टेंट देखने को मिल जाता है। स्विमिंग करते हो तो तभी भी आप इसे पहन के लेके जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अगर आपको बारिश के टाइम भी इसे पहनना है तो आप पूरा मजा उठा सकते हो। 68 फुल्ली वाटर रेसिस्टेंट ये यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। रनर ऐप को डाउनलोड कर लेना है। सो गाइस मैंने इसे डाउनलोड कर लिया था, यहाँ देख सकते हो फिटशॉर्ट्स पेयर आ चुका है तो मैं हम कर लेंगे इस पे क्लिक और ये हो चुकी है कनेक्ट। इस तरीके का कुछ इंटरफेस आपके यहाँ पे खुल जाएगा, यहाँ से आप चेंज डायल कर सकते हो। वॉच फेस को यहाँ पे सेट कर देता हूँ,
सो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हो काफी जल्दी डाउनलोड हो जाता है। यहाँ पे मुझे ये काफी अच्छी चीज लगी है, डायल को कर दिया है चेंज, अलार्म शेड्यूल देखने को मिल जाता है। आप यहाँ से अलार्म को कर सकते हो सेट। सो गाइस यहाँ से आप अलार्म को सेट कर सकते हो। ब्राइटनेस स्क्रीन टाइम मिल जाता है, आप यहाँ पे 1 मिनट तक रख सकते हो। सो गाइस मैं 1 मिनट तक इसको सेट कर देता हूँ यहाँ पे, तो 1 मिनट तक ये ऑन ही रहेगी। यूनिट मेजर टाइम यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है, मेट्रिक पे रख सकते हो, इंपेरियल रख सकते हो। 24 आवर्स का यहाँ पे हमने रख दिया है, यहाँ पे हम 12 आवर्स का भी रख दे टाइम फॉर्मेट। सो गाइस लैंग्वेज यहाँ पे हम इंग्लिश रख सकते हैं, और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस है वो यहाँ पे हम सेट कर सकते हैं। यहाँ पे हमें डेट फॉर्मेट भी चेंज कर सकते हैं, ऑटो हार्ट रेट सेंसर भी यहाँ पे हम देखते हैं ऑन, डू नॉट डिस्टर्ब का ऑप्शन यहाँ से भी हम कर सकते हैं, वाइब्रेशन रिमाइंडर भी यहाँ पे हमें देखने को मिल जाते हैं, सब वाइब्रेशन रिमाइंडर्स यहाँ पे हमें मिल जाते हैं। यहाँ पे डेटा की बात करो तो यहाँ पे हमें सारे डेटा देखने को मिल जाते हैं, सारे स्पोर्ट्स मोड्स मिल जाते हैं। वॉच फेसेस की बात करो तो यहाँ पे हमें 45 वॉच फेसेस देखने को मिल जाते हैं, एंड काफी अच्छे वॉच फेसेस यहाँ पे हमें मिल जाते हैं। सो गाइस यहाँ से आप रिमूव डिवाइस कर सकते हो, एंड गाइस यहाँ पे हमें परसेंटेज दिखाए जाते हैं, 81% बैटरी परसेंटेज है, एंड यहाँ से आप ऐड डिवाइस कर सकते हो, एंड यहाँ से आप रिमूव डिवाइस कर सकते हो। सो गाइस ये थे सारे स्पेसिफिकेशंस एंड फ्यूचर्स एप्स के बारे में, सारे चीजें बता दिए एम्ब्रेन फ्यूचर्स पेयर के बारे में। और आते हमारे मेन कंक्लूजन की तरफ, आपको बताना चाहूंगा कि आपको 2999 में कहूंगा कि एम्ब्रेन फ्यूचर्स पेयर स्मार्ट वॉच को आपको 2999 में परचेस करना चाहिए या फिर नहीं। सो गाइस मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करता हूं, गाइस मुझे 2999 वैल्यू फॉर मनी नहीं लगी एम्ब्रेन फ्यूचर्स पेयर की तरफ। और स्मार्ट वॉच चाहिए तो आप एम्ब्रेन की दूसरी भी स्मार्ट वॉच ले सकते हो, या फिर आप डीजो वॉच या फिर फायरबोल्ट के साथ जा सकते हो। सो गाइस अगर आपको फिर भी ये अच्छा लगा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगा, आप वहां से चेकआउट कर सकते हो। बता दूं कि आपको इसके जगह पे अगर दूसरी स्मार्ट वॉच चाहिए तो भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एम्ब्रेन की स्मार्ट वॉच चाहिए तो आप एम्ब्रेन फिटशॉट जेस्ट को परचेज कर लीजिए, क्योंकि गाइस वहां पे हमें ब्लूटूथ कॉलिंग का भी मिल जाता है। सो गाइस आप उसे परचेस कर सकते हो, या अगर आपको कोई क्वेरी हो या फिर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू दोस्तों।